किन्नौर लैंडस्लाइड हादसे में हुई डॉक्टर दीपा की मौत ने हर किसी को दुख पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। लैंडस्लाइड में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा शामिल थी। हैरानी की बात ये है कि उन्होंने मौत से आधे घंटे पहले ही अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा था, लाइफ इज नथिंग विदाउट नेचर। अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। डॉक्टर दीपा के निधन से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भी काफी धक्का लगा है। दरअसल जयपुर की डॉक्टर दीपा कंगना रनौत की बड़ी फैन थी। वो लंबे समय बाद हिमाचल घूमने गई थी। प्रकृति की खूबसूरती को निहारते हुए उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया कि वो इस दुनिया से ही चली गई। अब उनके निधन पर कंगना रनौत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और लोगों को ऐसे मौसम में पहाड़ों पर नहीं आने की सलाह भी दी है। कंगना ने इंस्टा पर लिखा, वो बहुत बड़ी फैन थी, वो मुझे फूल, खूबसूरत खत, तोहफे और मिठाइयाँ भेजा करती थी। वो मुझसे मिलने मेरे मनाली वाले घर पर भी आई थी। ओह, ये किसी बड़े दुख जैसा है, दुख से भी आगे, हे भगवान। इसके साथ ही कंगना ने अपने पोस्ट में उस वक्त का भी जिक्र किया जब वो जयपुर में शूटिंग कर रही थी। उन्होंने लिखा, मुझे याद है जब मैं जयपुर में फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग कर रही थी तो बहुत सारे फैंस होटल में मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चिल्लाई और मुझे संभलने का मौका भी नहीं दिया और कसकर गले लगा लिया। उस वक्त से हम टच में थे। मेरी श्रद्धांजलि, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। कंगना ने इसके आगे एक और पोस्ट साझा कर लोगों को पहाड़ घूमने आने के लिए मना किया। कंगना ने लिखा, जो लोग बरसात में पहाड़ घूमने का प्लान बना रहे हैं उन्हें बता दूं कि इस मौसम में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। जिस तरह से इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ की है ये और भी भयानक हो गया है। मेरी अपील है कि वो इस मौसम में पहाड़ घूमने ना आए। कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म थलाई भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इसके अलावा वो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर भी एक फिल्म बना रही हैं। कंगना बहुत जल्द तेजस और धाकड़ में भी मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी।